नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने प्रमुख विषय राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस विषय पर चर्चा कर रहे थे, पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने राजनीति शास्त्र विषय पर जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो कि प्लेटो के संदर्भ में टॉपिक रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो के बारे में, और इस संदर्भ में हम लोगों ने प्लेटो का शिक्षा का क्या महत्व है, प्लेटो की जो न्यायवादी संकल्पना है वो क्या है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य की संकल्पना है वो क्या है, ऐसे तमाम सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने फोकस किया और ये जानने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग प्लेटो का जो साम्यवाद सिद्धांत है, प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है प्लेटो के परिचय के बारे में, प्लेटो की विचारधाराओं से अवगत कराया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद प्रमुख रूप से कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है। देखिए, प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय हेतु, जो न्याय की बात है, न्याय हेतु केवल शिक्षा सिद्धांत का ही नहीं अपितु साम्यवाद के सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ जो कम्युनिज्म है, ठीक है, इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। ना ही कि शिक्षा के बारे में ही नहीं, अपने रिपब्लिक में जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें इन्होंने साम्यवाद के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किए हैं। साम्यवाद के सिद्धांत में उनका यह धारणा है कि शिक्षा द्वारा नागरिक के चरित्र निर्माण का जो वातावरण राज्य में निर्मित होता है, शिक्षा के माध्यम से जो नागरिकों के चरित्र का निर्माण होता है और जो राज्य में एक अच्छी वातावरण का निर्माण होता है, उसमें नव जीवन एवं नवीन शक्ति प्रदान करने का साम्यवाद पूरक साधन है। यानी कि उस सिद्धांत में जो नागरिकों को राज्य द्वारा आज एक अच्छा चरित्र, शिक्षा के माध्यम से नागरिकों का एक अच्छा चरित्र निर्माण होता है, राज्य में एक अच्छा कार्य करता है, उस पूरे सिद्धांत में अगर उसे नव जीवन एवं नवीन शक्ति को प्रदान करने का कार्य करता है तो साम्यवाद सिद्धांत करता है। चूंकि साम्यवाद सिद्धांत के माध्यम से ही हम लोगों के कल्याण की प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकते हैं, और वास्तविक रूप से किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की क्या अवधारणा है, क्या जरूरतें हैं, कैसे इसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होगा, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, उसे आर्थिक रूप से सशक्त करना, राज्य यानी कि शासक यानी शासन व्यवस्था में साम्यवाद को लाकर के किस प्रकार उसकी आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना, तो यह जो है, यह शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो प्लेटो का एक चरित्र का, नागरिकों के चरित्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार साम्यवाद सिद्धांत से उस व्यक्ति का विकास होता है, उस व्यक्ति का व्यापक विकास होता है, यह जानने की जरूरत है। प्लेटो की आस्था है कि शिक्षा योजना द्वारा ज्ञानवान शासकों का निर्माण किया जाएगा,
इन शासकों को कटंब तथा संपत्ति के प्रलोभन से मुक्त रखने की आवश्यकता है। यानी कि प्लेटको शासकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिसमें शासकों को न तो संपत्ति होगी और न उनके निजी परिवार। प्लेटो की इस व्यवस्था को संपत्ति का साम्यवाद कहा जाता है। प्लेटो क्या चाहता है? प्लेटो एक ऐसा शासक चाहता है जो संपूर्णतः दार्शनिक के रूप में हो, ताकि वह लोगों के कल्याण के लिए लोगों का कल्याणकारी भावना का निर्माण कर सके, लोगों को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सशक्त कर सके। और इसे पाने के लिए, जैसा आपको हमने बताया कि साम्यवाद इसकी पूर्ति करता है, पूरक का कार्य करता है, तो प्लेटो ऐसा ही कुछ कह रहा है कि मैं चाह रहा हूं कि शासकों के पास ना निजी संपत्ति हो ना निजी परिवार हो। तो ऐसी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद और तथा परिवार के संदर्भ में पत्नियों का साम्यवाद कहा जाता है। परिवार की न हो शासकों के पास, ठीक है। यदि हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जैसा कि आप साम्यवाद को समझ रहे हैं, साम्यवाद का मतलब देखिए यही है कि एक व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उसका विकास हो। अगर आपके पास योग्यता है और आप विकास से वंचित हो रहे हैं तो यह साम्यवाद नहीं है। आपको एक विकास की धारा से जोड़ना, यह अपने आप में साम्यवाद है। तो प्लेटो इस प्रकार इस बारे में इस बातों का मूल्यांकन करके बताने का कार्य कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए चर्चा किया जाए तो साम्यवाद की इस नवीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को प्लेटो केवल दार्शनिक शासकों तथा सैनिकों पर ही लागू करता है। इस व्यवस्था का जो स्वरूप है यह कैसा होगा, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण यहां किया जाता है। क्योंकि प्लेटो देखिए ये जो साम्यवाद का विचारधारा है ऐसा नहीं कह रहा है कि इसे व्यापक रूप से फैलाया जाए। वह कह रहा है कि जो शासक है, जो दार्शनिक शासक है, जो सैनिक है, उस वर्ग पर लागू किया जाए। प्लेटो का यह मानना है। चूंकि प्लेटो के अनुसार साम्यवाद की व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षक वर्ग अपने कटंब और निजी संपत्ति का परित्याग करेंगे, जिससे कि राज्य संचालन के कार्य में उनके सम्मुख कुटुंब और संपत्ति से पैदा होने वाले मोह उन्हें पथ भ्रष्ट न कर सके। मुख्य बात यह है, इसलिए यह साम्यवाद है कि वो उनका जो कार्य करने का स्वरूप है, जो उनकी शासन की कला है, जो लोगों की कल्याणकारी भावना है, लोगों का जो कल्याण करने की विचारधारा है, उस विचारधारा को प्रभावित ना किया जा सके, वह विचारधारा प्रभावित ना हो सके। यानी कि लोगों का कार्य हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। तो इस प्रकार प्लेटो का मानना था कि हम इस बात को सिर्फ और सिर्फ जो है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू करेंगे, जिससे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। लोगों की एक राज्य की जो ये बताइए जो आदर्श राज्य की संकल्पना है, इस आदर्श राज्य की संकल्पना आप कैसे लागू कर पाएंगे? तो इन्हीं सारे विचारों को अपनाते हुए एक आदर्श राज्य की संकल्पना किया जा सके, ये आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि साम्यवाद का ध्येय भी शासकों की आध्यात्मिक उन्नति करना ही है। देखो मामले को समझो, साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो प्रमुखतः यही है कि जो शासक वर्ग हैं
उनका क्या किया जाए, आध्यात्मिक रूप से विकास किया जाए। प्लेटो क्यों दार्शनिक शासक पर जोर दे रहा, इसीलिए जोर दे रहा। प्लेटो क्यों साम्यवाद के सिद्धांत पर जोर दे रहा, इसीलिए जोर दे रहा। आध्यात्मिक उन्नति से लोगों का जो कल्याण की भावना है शासकों के अंतर्गत कूट कूट के भरता है, और वह शासक वर्ग अपना निजी ध्यान न दे करके अपनी स्वार्थ के ऊपर न चर्चा करते हुए वह शासन की व्यवस्था को सुचारू और मजबूत रूप से चलाने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत आपको जानने की जरूरत है। प्लेटो शिक्षा और साम्यवाद को न्याय की प्राप्ति के दो अभिन्न साधन मानता है। प्लेटो जो है शिक्षा और साम्यवाद को न्याय की प्राप्ति के दो अभिन्न साधन मानता है। शिक्षा न्याय की स्थापना का सकारात्मक आध्यात्मिक साधन है, उसी प्रकार साम्यवाद उसका एक नकारात्मक और भौतिक साधन है। साम्यवाद एक नकारात्मक है लेकिन भौतिक साधन है, क्योंकि इससे वस्तुओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा है प्लेटो के बारे में। और क्या बातें हैं साम्यवाद पे प्लेटो का, देखिए प्लेटो की मान्यता है कि जब शासक का प्रलोभन देने वाले कुटुंब और निजी संपत्ति जैसे कारण ही नहीं रहेंगे तब शासक के नैतिक उत्थान की संभावनाएं अधिक हो जाती है। ये बात सही है, प्लेटो का ऐसा मानना था। प्लेटो आध्यात्मिक स्वरूप के ऊपर क्यों फोकस कर रहा था, इसीलिए प्लेटो दार्शनिक शासक के रूप में क्यों फोकस कर रहा है, इसीलिए इस प्रकार अगर हम बात करें तो वास्तव में जो प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है उसकी न्याय की धारणा का आवश्यक परिणाम है। हम न्याय चाहते हैं, हम राज्य के संदर्भ में न्याय चाहते हैं, हम लोगों के संदर्भ में न्याय चाहते हैं, हम नागरिकों के संदर्भ में न्याय चाहते हैं, हम शासन व्यवस्था में न्याय चाहते हैं, तो उसका परिणाम यह है कि आपको साम्यवाद भी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में लाना पड़ेगा। ये बातें हैं साम्यवाद की। प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप क्या है ये भी जान लीजिए, हालांकि अब आप समझ चुके होंगे। देखिए साम्यवाद की व्यवस्था का क्या स्वरूप है इसे बहुत संक्षेप में बताया जा सकता है। यह केवल दार्शनिक शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग पर ही लागू होने वाली व्यवस्था है, जैसा कि आपको हमने बताया। यह उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं होती है। आप एक चीज पढ़ते होंगे समाजवाद, समाजवाद उत्पादक वर्ग की बात करता है, सबके साथ समान व्यवहार की बात करता है। साम्यवाद प्लेटो के हिसाब से उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं होगा, यह सैनिक वर्ग और शासक वर्ग पर लागू होगा। इसका आपको हमको बताया इस बारे में, इसके अंतर्गत न तो शासकों की न तो निजी संपत्ति होगी, न ही उनके निजी कुटुंब होंगे। ठीक है, शासकों की जो सामूहिकता की जीवन व्यवस्था को प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद कहा है। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, तर्क भी दिए गए हैं। आइए हम लोग तर्क की बात करते हैं। प्लेटो के साम्यवाद पे
कुछ मनोवैज्ञानिक तर्क, नैतिक तर्क, व्यवहारिक तर्क, दार्शनिक तर्क क्या है उस पर बात करते हैं। नैतिक तर्क क्या है? ठीक है, साम्यवाद व्यवस्था के समर्थन में प्लेटो का नैतिक तर्क यह है कि इसके द्वारा शासक को समाज की व्यापक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा बनाया जाता है। हम जानते हैं कि प्लेटो व्यक्ति को स्वतंत्र एवं स्वार्थमयी इकाई नहीं मानता। व्यक्ति का महत्व केवल इसमें ही है कि वह व्यवस्था का अंग बना रहे एवं नियत स्थान पर बने रहकर नियत कार्य को कुशलतापूर्वक करे। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य की सम्यक रूप से करेगा तो दूसरे के कार्य में स्वार्थ भाव से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात सत्य है। ये प्लेटो का साम्यवाद का नैतिक पर तर्क है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को इतना मन और उचित ढंग से करे कि उसे दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने का मौका न मिले, वो अपने कार्य में ही मस्त रहे, अपने कार्य को आगे बढ़ाए, वह व्यक्ति के संदर्भ में अपनी साम्यवाद की विचारधारा का नैतिक भावना का नैतिक तर्क प्रस्तुत करता है प्लेटो कि आप अपने जिम्मेदारी को स्वयं करें, आप दूसरे के बारे में ना देखें कि कौन व्यक्ति किसकी शिकायत कर रहा है, क्या उसकी नैतिक दुर्भावनाएं हैं, ये प्लेटो कहने की कोशिश करता है। आपके पास वो समय ना हो कि आप दूसरे के स्वार्थ के संदर्भ में चिंता करें। ठीक, चूंकि प्लेटो का यह मानना है कि जो नैतिक तर्क है प्लेटो का, वह मानना है कि साम्यवाद समाज के नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। अब जब आप इथिक्स पढ़ते हैं, नीति शास्त्र पढ़ते हैं, इथिक्स, प्लेटो की जो रिपब्लिक है, आप उसमें चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे इथिक्स हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, सारे विषयों का एक सारांश पाते हैं। तो प्लेटो का ये जो नैतिक तर्क है, इसमें माना जाता है कि साम्यवाद समाज के नैतिक जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। मनोवैज्ञानिक तर्क क्या है? देखिए, प्लेटो ने साम्यवाद के समर्थन में जो दूसरा तर्क प्रस्तुत किया है वह है मनोवैज्ञानिक। क्योंकि हमें पता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य के दो वर्ग हैं, एक शासक एवं सैनिक, जो कि विवेक एवं साहस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि विवेक एवं साहस, जो शासक वर्ग हैं और सैनिक वर्ग हैं, ये दोनों विवेक और साहस तत्व का प्रतिनिधित्व करके राज्य की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। तो प्लेटो के शब्दों में, यदि विवेक एवं साहस को यदि निष्ठा और निस्वार्थ भाव से कार्य करना है तो उनके लिए यह परमावश्यक है कि वह सुधा के प्रलोभनों एवं प्रताड़नाओं से मुक्त रहे। जाहिर सी बात है, जो प्रलोभन है, जो प्रताड़ना है, जो समस्याएं हैं, उससे दूर रहे वो। यदि उसे अपने साहस, निष्ठा और विवेक को अपने बेहतर परिणाम से कार्य करना है तो ये मनोवैज्ञानिक तर्क है। चूंकि न्याय के लिए विवेक और साहस को ऐसी समस्याओं से मुक्त रहना चाहिए जो किसी का शोषण करता है, जो किसी व्यक्ति को विकास करने में बाधा पैदा करता है, तो न्याय कब होगा? जब अपने कार्यों को कोई व्यक्ति सुसंगठित तरीके से, देखिए प्लेटो का न्याय एक बहुत बड़ा व्यापक अवधारणा है। आप शासन के संदर्भ में उसको न्याय की बात कर सकते हैं जैसा कि हमने चर्चा किया, लेकिन उस न्याय को प्रत्येक वस्तु से जोड़ता है प्लेटो। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने का कार्य करता है, तो ये भी आपको जानने की जरूरत है।
व्यवहारिक तर्क क्या है? प्लेटो का साम्यवाद पे व्यवहारिक तर्क। देखिए, प्लेटो व्यवहारिक अथवा राजनीतिक आधार पर भी साम्यवाद को उचित मानता है। प्लेटो की यह दृढ़ धारणा है कि शासकों के हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण राजनीतिक जीवन की शुद्धता अथवा पवित्रता के लिए घातक सिद्ध होता है। इसे शासक वर्ग में भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। यानी कि प्लेटो का यह मानना है कि जो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, वो केंद्रीकरण ना हो, खास करके शासक वर्ग में केंद्रीकरण ना हो, शासकों के हाथों में ना हो, क्योंकि इससे उनके अंदर एक भ्रष्ट एवं स्वार्थी एक मनोवृत्ति का निर्माण हो सकता है। ये बात सत्य भी है, इसलिए तो प्लेटो दार्शनिक शासक पे जोर देता है। प्लेटो शासकों का न्यायवादी होना जोर देता है। इसी वजह से तो ये व्यवहारिक तर्क है। इसी प्रकार आप देखेंगे दार्शनिक। देखिए, प्लेटो ने दार्शनिक आधार पर भी साम्यवाद व्यवस्था को उचित माना है। साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो के कार्यों के विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। उसकी यह धारणा है कि जिन लोगों के कंधों पर शासन का विशिष्ट दायित्व तो है, उनका जीवन विशिष्ट शैली का होना चाहिए। उच्चादर्श की प्राप्ति के लिए समर्पित जीवन सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होना चाहिए। इसी दार्शनिक आधार पर प्लेटो ने दार्शनिक के लिए कुटुंब विहीन एवं संपत्ति विहीन साम्यवादी जीवन शैली का प्रतिपादन किया है। यह बात है प्लेटो की, यह दार्शनिक तर्क है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की विशेषताएं, क्या क्या है विशेषताएं, ये भी ध्यान रखें। प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यह व्यवस्था राज्य के सभी वर्गों पर लागू नहीं होती। ये बात आप जानते हैं, आपको हमने बताया अभी क्लास में कि यह सिर्फ सैनिक और शासक वर्ग पर लागू होता है साम्यवाद। चूंकि यह केवल दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, इसलिए यह कहा जाता है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वह अदर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह व्यवस्था समाज के केवल आधे भाग पर, यानी अर्ध साम्यवाद का मतलब यह है केवल आधे भाग पर, उत्पादक वर्ग पे नहीं, केवल आधे भाग पर लागू होता है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं जो कि आपको हमने अवगत कराया है। दूसरा, प्लेटो का साम्यवाद समाज के आर्थिक ढांचे को यथावत बनाए रखता है। आधुनिक समाजवादियों की तरह यह उत्पादन के साधनों पर राज्य अथवा समाज का आधिपत्य स्थापित नहीं करता। देखिए, आधुनिक साम्यवाद और आधुनिक समाजवाद में जो आप चीज देखते हैं, उन विचारों में और प्लेटो के विचारों में बहुत अंतर है। ठीक है, जैसा आपको हमने बताया कि यह आधुनिक समाजवाद की तरह नहीं कि उत्पादन के साधनों पर राज्य अथवा समाज का एक आधिपत्य स्थापित कर दिया जाए, ऐसा नहीं करता प्लेटो का विचार। प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति के समाजीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
यहाँ उत्पादन वर्ग के हाथों में निजी संपत्ति रहती है। आधुनिक प्रशासन की भाषा में यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था आर्थिक जीवन के व्यक्तिवादी प्रबंध की व्यवस्था है। आधुनिक समय में आप देखते हैं समाजवाद की बात हो रही है ना, आप इसमें आप देखते हैं राष्ट्रीयकरण की संबंधित जो बातें हो जाती है, लेकिन ऐसा प्लेटो के साम्यवाद में कहीं बात नहीं है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो ये रहा विशेषताओं के बारे में। अन्य क्या है, प्लेटो का साम्यवाद समाज में एकता की स्थापना को अपना परम लक्ष्य मानता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है उस समाज में एकता की स्थापना को अपना परम लक्ष्य मानता है। समानता स्थापित करना उसका लक्ष्य नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था को लागू करने के पीछे प्लेटो का मंतव्य लोकतंत्रीय शासन की स्थापना करना नहीं है, उसकी उद्देश्य बौद्धिक कुलीन तंत्र के शासन की स्थापना करना है, जिसमें शासन की बागडोर थोड़े से ज्ञानी शासकों के हाथों में है, ये मानना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आधुनिक समय में प्लेटो का साम्यवाद का जो वर्तमान समय में साम्यवाद और समाजवाद के सिद्धांत है उसे बहुत अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों ये हम लोग का आज का क्लास प्लेटो के संदर्भ में। जय हिंद।